हेलो स्टूडेंट्स, फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूँ गालिब सर। तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है जी आप मेरे लेक्चर को पसंद कर रहे हैं, इसे शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे लेक्चर को पसंद करने के लिए, इसे शेयर करने के लिए और आप जितना तेज़ी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ अपने और फ्रेंड सर्कल में मेरे चैनल को शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ सकें। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे लेक्चर को जिस तरह देख रहे हैं उस तरह कंटिन्यू कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है आपका केमिस्ट्री का जो फाउंडेशन है वो बहुत ही मजबूत होगा और मैं आपके लिए दिन रात एक कर दूंगा ताकि आपका केमिस्ट्री का जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो सके, वो बेस्ट से बेस्ट हो सके। डियर स्टूडेंट, जिस तरीके से आप अपना प्यार रेस्पेक्ट मुझे दे रहे हैं उसी तरह आप देते रहें और मेरे चैनल के साथ मेरे साथ बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में। मोलर मास क्या होता है? तो मोल कॉन्सेप्ट का जो सबसे मेन जो टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें आएगा मोलर मास। तो फर्स्ट चैप्टर का अगर बात करें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री या उसी को बोलेंगे मोल कॉन्सेप्ट, तो तीन ऐसा टॉपिक है जिसमें सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट वाला है मोल कॉन्सेप्ट, सेकेंड है कॉन्सेंट्रेशन, थर्ड है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री, मोल कॉन्सेप्ट और कॉन्सेंट्रेशन जो है, ये तीनों पार्ट सबसे मेन है मोल कॉन्सेप्ट का और सबसे अधिक क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं। और सबसे अधिक अगर फर्स्ट चैप्टर का किसी टॉपिक से क्वेश्चन कंपटीशन में जेई नीट में पूछे जाते हैं तो वो है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा मोलर मास, तो इसको हम लोग समझते हैं। उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट पे जितना भी क्वेश्चन जेई का और नीट का पूछा गया होगा सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मोलर मास क्या होता है। तो मोलर मास का मतलब एकदम क्लियर है, आपको बता चुके हैं। एक मोल कोई सब्सटेंस लेंगे और उसका जो मास आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर मास। तो हम लोग बोल सकते हैं मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस। एक मोल सब्सटेंस का जो मास आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर मास। वो सब्सटेंस एटम्स के फॉर्म में हो सकता है या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो सकता है या आयंस के फॉर्म में हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो बहुत ही आसानी के साथ आपको मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे, एकदम कम समय में आपको पूरा एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, इसका मैं गारंटी लेता हूँ। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, 100% क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स को ये वाला टॉपिक जो है थोड़ा ऑड लगता है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन यकीन मानिए सबसे अगर कोई सिंपल टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का मूल कॉन्सेप्ट का तो यही है मूल कॉन्सेप्ट, सबसे सिंपल और सबसे आसानी के साथ क्वेश्चन बनेगा, बशर्ते कि आपको इसमें समझना पड़ेगा। जो तरीका हम बताएंगे, जो मेथड हम बताएंगे, उस मेथड से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो कोई क्वेश्चन आप 15 से 20 सेकेंड में आप उसको काट लीजिएगा। तो खूब ध्यान से देखिए एक एक चीज़ को। तो मोलर मास का मतलब आप समझ गए, एक मोल एटम लीजिए, एक मोल मॉलिक्यूल लीजिए या एक मोल आयन लीजिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मोलर मास। अब मोलर मास जो है उसको हम लोग तीन तरीके से डिफाइन करते हैं। एक है मास ऑफ वन मोल, वन मोल को एक और चीज बोलते हैं एन ए, क्योंकि वन मोल का मतलब क्या होता है 6.022×10^23 और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एन ए से। वन मोल या एन ए या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 6.022×10^23 एटम्स, तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। खूब ध्यान से सुनिएगा, ग्राम एटॉमिक मास।
तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब हो गया एक मोल एटम का मास, या उसी को आप बोल सकते एक एने का मास, या 6.022 × 10³ एटम्स का जो मास आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। इसको एक और सिंबल से डिनोट करते हैं, मास ऑफ 1 ग्राम एटम। अब इस चीज को खूब ध्यान से देखिए, 1 ग्राम एटम, या इसी को बहुत बुक में ऐसे लिखता है 1 g एटम। तो ये जो जी एटम है, ग्राम एटम है, इसका मतलब होता है मोल। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? मोल। तो मास ऑफ 1 ग्राम एटम का मतलब हो गया मास ऑफ 1 मोल एटम, मतलब एक मोल एटम का जो मास आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास, या उसी को सिंपल भाषा में हम लोग बोलेंगे मोलर मास। तो मोलर मास एक जनरल वर्ड हो गया, वो एटम के लिए भी यूज हो सकता है, मॉलिक्यूल के लिए भी यूज हो सकता है, और आयन के लिए भी यूज हो सकता है। लेकिन अगर एटम का मास हम लोग बात करेंगे मोल में, तो उसका पार्टिकुलर नाम होगा, क्या नाम होगा? ग्राम एटॉमिक मास, या उसी को बोलेंगे मास ऑफ 1 ग्राम एटम। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी 1 ग्राम एटम आ जाए तो इसका मतलब आप समझिएगा 1 मोल। इसको आपको ध्यान रखना है। 2 ग्राम एटम आएगा तो हम लोग समझेंगे 2 मोल, और ग्राम एटम को शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 g एटम। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। दूसरा, तो ये हम लोग बात किए एटम का मास, इसी तरह हम लोग मॉलिक्यूल का भी तो मास का बात कर सकते हैं। तो इधर हम लोग लिखेंगे मास। खूब ध्यान से देखिएगा, इतना बेस्ट हम बनाए हैं जो आपको कोई डाउट नहीं हुआ, हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिएगा एकदम कम समय में। और ये जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ये भी लंबा चौड़ा नहीं है, एकदम शॉर्ट है, और फास्टली आप किसी क्वेश्चन को आसानी के साथ कर सकते हैं। तो खूब ध्यान से देखिएगा और खूब अच्छे तरीके से इसको दिमाग में फिट कीजिए। मास ऑफ, तो यहाँ पे 1 मोल लिए तो उसी तरह यहाँ पे बोल सकते हैं मास ऑफ 1 मोल, या 1 NA, या 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल्स। एक मोल मॉलिक्यूल्स लीजिए, एक NA मॉलिक्यूल्स लीजिए, या 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल्स अगर लीजिएगा तो उसका जो मास आएगा उसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे बोले ग्राम एटॉमिक मास, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। खूब ध्यान से देखिए, जैसे ये होगा वैसे वो होगा, ये एटम के लिए बात करेंगे और ये मॉलिक्यूल के लिए बात करेंगे। और फिर देखिए, अब इसी को एक और नाम से आप जानते हैं, यहाँ पे बोले मास ऑफ 1 ग्राम एटम, तो यहाँ पे बोले 1 ग्राम एटम, तो यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल। तो जिस तरह 1 ग्राम एटम का मतलब हो गया 1 मोल, उसी तरह 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब हो गया 1 मोल। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, और 1 ग्राम मॉलिक्यूल को शॉर्ट में हम लोग ये भी लिखते हैं 1 g मॉलिक्यूल। बस इतना चीज़ को फोकस करना है, बाकी सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हम लोग बात किए हैं एटम का, यहाँ पे बात किए हैं मॉलिक्यूल का, और एक और चीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट। जैसे H2O को आप क्या बोलिएगा? मॉलिक्यूल है। O को क्या बोलेगा? एटम है। एक और पार्टिकल्स आता है, जैसे अगर NaCl बोले, मेटल और नॉन मेटल से बनता है, तो उसको हम लोग, मतलब जो आयन से बनता है ये मॉलिक्यूल से बना है, ये एटम है, और ये आयन से बना है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं 1 फॉर्मूला यूनिट। क्या बोलेंगे? 1 फॉर्मूला यूनिट। जैसे ये 1 मॉलिक्यूल है, उसी तरह इसको हम लोग बोलेंगे 1 फॉर्मूला यूनिट। तो अगर मॉलिक्यूल की जगह पे फॉर्मूला यूनिट आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला सेम टू सेम अप्लाई होगा, लेकिन उसका बोलने का सेंस जो है वो बदल जाएगा। यहाँ पे हम लोग बोले हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे ग्राम फॉर्मूला मास। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, तो उस केस में बोलेंगे फॉर्मूला मास। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखवा देते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास जो है इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके? फॉर्मूला मास के। तो मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल के केस में निकालते हैं,
और फॉर्मूला मास हम लोग फॉर्मूला यूनिट के केस में, डैट मीन्स आयन के केस में हम लोग निकालते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे ग्राम मॉलिकुलर मास निकाले हैं, तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, आयन के केस में ग्राम, फॉर्मूला मास। तो दोनों में कोई फर्क नहीं होता है, फर्क सिर्फ नाम का होता है, बाकी काम जो है सेम टू सेम होता है। तो उसको हम नहीं इसमें डालें क्योंकि कन्फ्यूजन करेगा। बस आपको दो पार्ट याद रखना है, एक एटम के लिए और एक मॉलिक्यूल के लिए, या उसी के इक्विवेलेंट हो जाएगा फॉर्मूला यूनिट के लिए, डैट मीन्स आयन के लिए। तो ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम लोग समझ गए। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से उसको हम लोग समझते हैं। तो मोलर मास को हम लोग दो तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, एक एटम के टर्म में और एक मॉलिक्यूल के टर्म में। एटम के टर्म में मोलर मास को क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल के टर्म में हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे जो हम एग्जांपल बताने जा रहे हैं। तो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं ग्राम एटॉमिक मास। मास ऑफ वन मोल या वन एन ए या 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, या सेकेंड बात करें मास ऑफ 1 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, या तीसरा बात करें ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। या लास्ट इसको सिंपल बोले मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो एक मोल ऑक्सीजन एटम्स का मास लीजिए, या 1 Na ऑक्सीजन एटम्स का मास लीजिए, या 6.022 इंटू 10 का पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स लीजिएगा, तो उसका भी मास आएगा कितना आएगा, 16 ग्राम। इसको आप ध्यान रखेंगे। या आप 1 ग्राम एटम्स और 1 ग्राम एटम्स का मतलब आपको मालूम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मोल। तो 1 ग्राम एटम्स ऑक्सीजन का अगर मास का बात कीजिएगा तो भी कितना होगा, 16 ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम एटम का मतलब तो 1 मोल, 1 मोल ऑक्सीजन का एटम्स लेंगे उसका मास कितना आएगा, 16 ग्राम। या आप बोलिए ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो उसका भी मतलब हो जाएगा 16 ग्राम। या सिंपल भाषा में बोलिए मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो उसका भी मतलब हो जाएगा 16 ग्राम। तो ये सबका मतलब होगा 16 ग्राम। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, बहुत काम का है, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये जो भी पॉइंट लिखे हैं ये बहुत काम करेगा। अब इसी को हम लोग एटम के टर्म में देखें, अब इसी को हम लोग मॉलिक्यूल के टर्म में देखते हैं। तो अगर इसी को मॉलिक्यूल में बोले तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम लिए थे, अब लेंगे मॉलिक्यूल। तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, और ये हो गया एटम ऑक्सीजन का। तो अब मॉलिक्यूल के टर्म में अगर बात करें तो क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 मोल या 1 Na या 6.02 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिखे इसीलिए O2 लिख दिए, या इसी को लिखे मास ऑफ 1 ग्राम एटम, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। या थर्ड यहाँ पे क्या लिखे, ग्राम एटॉमिक मास, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास,
ऑफ ऑक्सीजन, या फोर नंबर जनरल बोले मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो एक मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले या वन मोल एनएम मॉलिक्यूल ले या 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का ले, उस सबका मास जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 16×32 ग्राम। इस चीज को ध्यान रखेंगे। या मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोलेंगे तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब आपको समझा चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है 1 मोल। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीजन का लेंगे तो उसका भी मास कितना आएगा 32 ग्राम। या बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन तो उसका भी मतलब कितना हो जाएगा 32 ग्राम। या सिंपल अगर बोलेंगे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो उसका भी मतलब कितना हो जाएगा 32 ग्राम। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, जिस तरह एटम का बात किए हैं उसी तरह आप मॉलिक्यूल का बात कर सकते हैं। यहाँ पे एटम में एटम लिखेंगे और मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल लिखेंगे, तो 1 मोल यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखेंगे तो यहाँ पे 1 मोल एटम्स लिखेंगे। यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास का बात करेंगे तो वहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास का बात करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी कीजिए, फिर एक और एग्जांपल से आपको इसी चीज़ को हम समझाते हैं। ग्राम एटॉमिक मास का बात करेंगे, मान लीजिए हाइड्रोजन का हम बात करते हैं तो मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम तो ये सबका मतलब होगा 1 ग्राम। तो 1 मोल एच एटम्स लीजिए या 1 Na एच एटम्स लीजिए या 6.022 × 10³ एच एटम्स लीजिए, मतलब हाइड्रोजन एटम्स लीजिए, या ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन बोलिए या मास ऑफ 1 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बोलिए, क्योंकि यहां पे ग्राम एटम्स का मतलब क्या हो गया मोल। तो 1 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का मास लीजिए या मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन बोलिए, सबका मतलब होगा 1 ग्राम। सिंपल में बोलेंगे तो मोलर मास, तो किसके लिए निकाले एटम्स के लिए। इस तरीके से आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का भी निकाल सकते हैं। तो अब अगर हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूल के लिए तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं मास ऑफ 1 मोल H2, अब मॉलिक्यूल लिखेंगे H2 मॉलिक्यूल ऑफ H2। तो जितना भी टर्म लिखे हैं मॉलिक्यूल के रिलेटेड, ये सबका मतलब होगा हाइड्रोजन का कितना मोलर मास हो जाएगा 2 ग्राम। तो हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल्स का मास बोलिए या हाइड्रोजन का 1 Na मॉलिक्यूल्स का मास लीजिए या हाइड्रोजन का 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल्स का मास लीजिए या हाइड्रोजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलिए या हाइड्रोजन का 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मास बोलिए या हाइड्रोजन का सिंपल में मोलर मास बोलिए, सबका मतलब हो जाएगा 2 ग्राम। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे ग्राम एटॉमिक मास होगा उसी तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। ग्राम एटॉमिक मास डिफाइन होगा एटम के लिए और ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिफाइंड होगा मॉलिक्यूल के लिए। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जितना भी ये टर्म हम लोग यूज किए हैं सबका मतलब हो गया मोलर मास, और मोलर मास मतलब 1 मोल का मास। तो जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो बता देते हैं। तो ग्राम एटम सबसे ज़्यादा, ये ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल यूज होगा। उसके बाद आपका 1 मोल ज़्यादा यूज होता है या ये वाला आपका यूज होगा, और सिंबॉलिक फॉर्म में ये वाला यूज होगा Na, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। और मोलर मास जो होता है वो जनरल टर्म हो गया। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम लोग समझ गए। अब हम लोग एक तीसरा टर्म का बात करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, या उसी को हम लोग बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। तो उसका मतलब क्या होता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और
बहुत सारा क्वेश्चन इसके फॉर्म में भी देता है और इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम या मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? एक मोल कोई भी गैस एनटीपी या एचटीपी पे अगर आप लेते हैं तो वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाइज करेगा और उसी को हम लोग बोलते हैं ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम, या उसी को सिंपली हम लोग बोलेंगे मोलर वॉल्यूम। तो एनटीपी और एचटीपी क्या होता है आप जानते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो आपको पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं। तो मोलर वॉल्यूम का मतलब हो जाएगा वन मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एनटीपी और एचटीपी एंड दिस इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम और मोलर वॉल्यूम। तो क्लियर है, एनटीपी और एचटीपी कंडीशन पे कोई एक मोल आप गैस अगर लेते हैं तो उसके द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा वो कितना होगा? 22.4 लीटर। इसको आप ध्यान रखेंगे। जैसे एग्जांपल, वन मोल आप हाइड्रोजन गैस लीजिए या वन मोल आप नाइट्रोजन गैस लीजिए या वन मोल आप अमोनिया गैस लीजिए, सबका जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा? 22.4 लीटर। कंडीशन क्या रहना चाहिए? एचटीपी और एनटीपी, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो कोई भी गैस हो उसका मास जो कुछ हो, जैसे हाइड्रोजन का मास अगर एक मोल लेंगे तो 2 ग्राम है, यहाँ पे नाइट्रोजन का मास वन मोल लेंगे तो 28 ग्राम है, तो वन मोल अगर अमोनिया लेंगे तो उसका मास 17 ग्राम है। तो मास कुछ भी हो गैस का, लेकिन अगर एचटीपी और एनटीपी पे अगर कोई एक मोल आप गैस लीजिएगा तो उसका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा वो कितना होगा? 22.4 लीटर। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर वॉल्यूम। अब एक चीज और समझिए, मान लीजिए हम लोग ऑक्सीजन के लिए बात कर रहे हैं, तो वन मोल ऑक्सीजन ले या एन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ले या 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ले, तो इस सब को अगर वेट के फॉर्म में लिखेंगे तो सबका मतलब होगा 32 ग्राम। अब इसी को हम लोग मास के टर्म में लिखें, अब ऑक्सीजन जो है गैस है इसको अगर वॉल्यूम के टर्म में लिखेंगे तो आएगा 22.4 लीटर। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एक मोल ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम, वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई होगा? 22.4 लीटर। एनए मॉलिक्यूल्स अगर ऑक्सीजन का लेंगे तो उसका मास कितना आएगा? 32 ग्राम, और वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई होगा? 22.4 लीटर। 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 लेंगे तो उसका मास कितना आएगा? 32 ग्राम, और वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई होगा? 22.4 लीटर। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये VVI है, बहुत ज़्यादा काम आएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो उसके लिए ट्रिक होता है, उसके लिए आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान रखेंगे। ये यूनिटरी मेथड पे बेस्ड है और जो तरीका हम बताएंगे उसको ध्यान दीजिएगा तो हर एक क्वेश्चन को आप कर सकते हैं JEE और NEET का। तो आपको क्या ध्यान रखना है, तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवेन है वो देखना है और इक्वालिटी लिख के आपको देखना है क्या फाइंड करना है, टू फाइंड क्या आपको पता करना है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन में
आपको चार चीज वो दे सकता है, एक सब्सटेंस का मोल देगा या सब्सटेंस का आपको मास दे सकता है या उसका वॉल्यूम दे सकता है अगर गैसीय सब्सटेंस है, या फोर्थ में उसका पार्टिकल्स दे सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ये चारों में से क्वेश्चन में कोई भी आपको डेटा गिवन होगा मोल के फॉर्म में या मास के फॉर्म में या वॉल्यूम के फॉर्म में या नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म में आपको डेटा गिवन होगा, और आपको इसी चारों में से कोई एक गिवन होगा और तीन आपसे पूछेगा। तो क्या पूछेगा, वो आपसे मोल पूछ सकता है, सेकेंड मास पूछ सकता है, थर्ड वॉल्यूम पूछ सकता है, और फोर्थ नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ सकता है। तो देखिए खूब ध्यान से, अगर क्वेश्चन में मोल गिवन होगा तो आपसे मास पूछेगा या आपसे वॉल्यूम पूछेगा या आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछेगा। तो चार आपको यहां पर टर्म याद रखना है, मोल, मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यही चारों में से इधर उधर वो करेगा। मोल गिवन होगा तो ये तीन आपसे पूछ सकता है, मोल को छोड़ के मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर मास गिवन हो तो आपसे पूछ सकता है मोल या आपसे पूछ सकता है वॉल्यूम या आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर वॉल्यूम गिवन हो तो आपसे क्या पूछ सकता है, मोल, या आपसे क्या पूछ सकता है, मास, या क्या पूछ सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो क्या, तो पार्टिकल छोड़ के बाकी सब पूछ सकता है, मोल पूछ सकता है, मास पूछ सकता है और वॉल्यूम पूछ सकता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सिंपल में अगर बोलेंगे तो चार डेटा में एक गिवन होगा तो आपसे तीन पूछ सकता है, एक को छोड़ के, मोल गिवन होगा तो मोल को छोड़कर बाकी सब चीज़ पूछ सकता है, मास गिवन होगा तो मास को छोड़कर बाकी सब पूछ सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो इक्वालिटी के इधर आपको वही चीज़ लिखना है जो आपको दिया है। अगर मास दिया है तो आप मास कितना जानते हैं, तो मोलर मास जानते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, क्या जानते हैं आप, मोलर मास। और अगर वॉल्यूम गिवन होगा तो कितना वॉल्यूम जानना है, 22.4 लीटर। अगर पार्टिकल्स बोलेगा तो कितना पार्टिकल्स आप जानते हैं, 6.02 × 10³ पार्टिकल्स। और अगर मोल बोलेगा तो आप कितना जानते हैं, तो जो गिवन होगा, अगर वॉल्यूम गिवन होगा तो लेफ्ट साइड लिखेंगे 22.4 लीटर, ऑक्सीजन का होगा तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का होगा तो नाइट्रोजन जिसका। अब अगर मास गिवन होगा तो हम लोग उस केस में लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, मोलर मास। अगर ऑक्सीजन का मास गिवन होगा 64 ग्राम, तो आप मोलर मास लिखिएगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, मॉलिक्यूल का अगर बोलेंगे तो 32 ग्राम, अगर एटम का बोलेंगे तो कितना ग्राम, 16 ग्राम। अगर बोलेगा कि इतना ऑक्सीजन का पार्टिकल्स गिवन है, अगर ऑक्सीजन का पार्टिकल्स गिवन हो तो लेफ्ट साइड आपको क्या लिखना है, पार्टिकल्स, कितना पार्टिकल्स जो हम जान रहे हैं। अगर मोल गिवन होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, मोल। तो इस बात का ध्यान रखें। और राइट साइड में भी सेम टू सेम, राइट साइड में भी आपको जो निकालना है, और वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम लिखेंगे, पार्टिकल्स निकालना है तो पार्टिकल्स लिखेंगे, मोल निकालना है तो मोल लिखेंगे, और अगर मोलर मास निकालना है, मतलब मास निकालना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मोलर मास। तो जो लेफ्ट साइड में लिखेंगे वही चीज़ को राइट साइड लिखेंगे। ध्यान क्या रखेंगे, लेफ्ट साइड आपको मास अगर गिवन है तो मास का ये टर्म लिखेंगे, वॉल्यूम का ये टर्म लिखेंगे, पार्टिकल्स का ये टर्म लिखेंगे और मोल का ये टर्म लिखेंगे। अब राइट साइड देखेंगे आपसे क्या पूछ रहा है, तो एक गिवन होगा, बाकी तीनों में से कोई एक पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन के लिए बात करते हैं, तो ऑक्सीजन का मोल गिवन है, मान लीजिए 2 मोल गिवन है, तो लेफ्ट साइड में आपको मोल लिखना पड़ेगा। तो मोल आप 2 मोल मत लिखिए, कितना मोल लिखिएगा, 1 मोल। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन गिवन है, मोल गिवन है, और अगर आपसे बोलेगा मोलर मास निकालने के लिए, तो आप ऑक्सीजन का मोलर मास लिखिएगा, तो 1 मोल में ऑक्सीजन का मोलर मास कितना जानते हैं, 16 ग्राम।
अगर आपसे पार्टिकल्स बोलता पार्टिकल्स निकालने के लिए, तो पार्टिकल्स आप जानते हैं 6.02 × 10^23 पार्टिकल्स। अगर वॉल्यूम बोलता निकालने के लिए तो वॉल्यूम जानते हैं 22.4 लीटर। तो यहाँ पे जो गिवन होगा उसका ये वाला फॉर्म लिखेंगे, और राइट साइड में जो निकालना है उसको आप लिखेंगे वो भी इसी के टर्म में। तो लेफ्ट साइड या राइट साइड यही चीज़ को लिखेंगे, आपको बस ध्यान रखना है क्या पूछ रहा है, और राइट साइड में ध्यान रखना है क्या निकालना है। अब इसको आप कॉपी कीजिए, क्वेश्चन जब आपको कराएंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा इसको अप्लाई हम लोग कैसे करेंगे।